किसी ने बहुत खूबी कहा है कि मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं सो हेलो एवरीवन वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा बहुत सारे स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विनीत सर परेशान हो रहे होते कि रात इलेवंथ वेस्ट हो गई क्या मैं अभी भी यही क्रैक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं कई बच्चों को लगता है कि यार माँ बाप ने मुझे कोटा भेजा यहाँ पे इतने पैसे लगाए उसके बाद भी मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसे तो हम लोगों ने खूब सारे रीजन देखे हैं कि बच्चे का इलेवंथ वेस्ट क्यों हो जाता है तो सर मैं आज आप लोगों से जानना चाहूंगा मोस्टली क्या रीजन होते हैं कोटा के साथ तो अपन काफी टाइम से हैं तो आपको क्या लगता है विनीत सर कि मोस्टली ऐसे कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चा वेस्ट हो जाता है देखो बच्चों सबसे पहले फुल जोश में लाइक कर देना अभी के भी सेशन पे और अमित सर के लिए एंड सूर्यकांत सर के लिए बिकॉज़ आप सबके लिए कुछ बहुत ही अमेजिंग हम लोग लेकर आने वाले हैं ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इट इज सॉल्यूशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इनका कारणवश उतना अच्छा नहीं गया है अच्छा नहीं जाता है ठीक है तो उसके रीजन सर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि इस वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ बहुत ही खास लेकर आ रहे हैं और वो भी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहे हैं राइट तो भाई, I think आप बहुत एक्साइटेड हो है ना चलो अब रीजन के बारे में बात करते हैं हम लोग रीजन में देखिए सर सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि इस समय हार्मोनल आप जानते हैं मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता ये, है ये। हो सकता है बंदा है तो बंदी के चक्कर में लड़का है तो लड़की के चक्कर में लड़की है तो लड़के के चक्कर में और आजकल तो थर्ड चांसेस भी हो सकते हैं ना <laughs> तो देर कैन बी सो मेनी रीजन हो सकता है लेकिन अपार्ट फ्रॉम द जोक्स हो सकता है कि हेल्थ इशू रह सकता है फैमिली इशू हो सकता है हो सकता है हमने खुद ने ही पढ़ाई नहीं की ठीक से कई बार बच्चा कोचिंग गलत चुन लेता है यस yes, कई बार कोचिंग गलत चुन लेता है बच्चे और बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे रीजन हो सकते हैं सर अमित सर आपको क्या लगता है सर एक्चुअली इसमें मेन तो रीजन होता है कि जैसे बच्चा टेंथ से इलेवंथ में मूव करता है तो काफी ड्रास्टिक चेंजेस जो उसको देखने को मिलते हैं जैसे हार्मोनल वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो उसके जो सिलेबस में जो चेंजेस होते हैं जैसे पहले मतलब नॉर्मल सी एक बुक होती है उसमें क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं लेकिन यहां पे क्या होता है कि एक तो नाम मतलब बहुत बड़ा नाम ऑब्वियस भी बात है आई टी और नीट होता भी हो लेकिन थोड़ा सा कोचिंग और उसको और ज्यादा हाइप करके दिखाया जाता है कि इतना सारा कॉम्पिटिशन बहुत सारा बच्चा तो वहीं डर के बैठ जाता है कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा और जब तक वो धीरे धीरे

तो देखो बच्चों सबसे पहले आपको अब क्या करना है आपको सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि भाई आपकी ग्यारहवीं क्लास अभी तक अच्छी क्यों नहीं गई उसका रीजन मैं बता रहा हूं कि आपको कमेंट क्यों करना है ये कमेंट करना है और उसके बाद ये पास्ट आपको अपने दिमाग से निकाल देना है क्योंकि अगर ये पास्ट की जंजीरों से अगर आप बंधे रहोगे तो आपका आगे फ्यूचर भी अच्छा नहीं होगा तो अगर आपको फ्यूचर अच्छा करना है तो आपको प्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा और प्रेजेंट अच्छा करना है तो पास्ट से आपको सीखना है लेकिन पास्ट को ही लेके नहीं चलना है तो सभी को कॉमेंट करके जरूर बताना है कि कौन कौन सी

हम आपके साथ है एटीपी स्टार कोटा टीम इस पूरी जर्नी में आपके साथ है आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस वीडियो को एंड तक देखना है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हम सारा सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाले तो सर सर मैं तो सर, करना चाहूंगा विनीत कई स्टूडेंट नीट के लिए जब बात करूंगा नीट में कई बार बच्चा दो तीन साल बाद ड्रॉप लेता है दो तीन साल तक ड्रॉप लेता है बेसिकली मैंने यहां पे कई नीट स्टूडेंट को ऐसा देखा है कि सर सेम मिस्टेक रिपीट करता है अगर फर्स्ट ईयर उनको कोई लड़की के चक्कर था सेकंड ईयर भी वही रहेगा फर्स्ट ईयर अगर ले जीते तो सेकेंड ईयर भी रहेंगे तो सर ये ना

हिस्ट्री रिपीट्स इट्सल्फ हजारों स्टूडेंट्स हर साल अगर एटीपी स्टार कोटा की बात करें तो हमारे खुद के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स सर ऐसे हैं जो एक साल की मेहनत में इवन अगर हम बात करें अभी यहाँ पे टोटल सेवन एट मंथ्स में ही सर कर जाते हैं अभी तो आपके पास लगभग अठारह महीने हैं पूरे अठारह महीने हैं यार आप क्या नहीं फोड़ सकते आप कुछ भी कर सकते हो बस एक अच्छी रैंक भी ला सकते हो एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है तो बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं तो आप भी कर सकते हो ये दिमाग से निकाल दो कि बच्चे तो नाइन टेंथ से तैयारी कर रहे थे हम कब कैसे करेंगे अरे भाई ये नाइन टेंथ वाले बच्चे बहुत ही कम होते हैं पहली चीज और इलेवंथ क्लास भी बहुत बच्चों को अच्छा नहीं जाता है तो जब जागो तब सवेरा अभी से अपने को फाइट मारनी है आगे बढ़ना है नाउ द क्वेश्चन भाई करना क्या है आइए देखते हैं सी व्हाट वी हैव टू डू तो सर सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ही बात करूंगा मैं स्ट्रॉ योर बेसिक्स राइट सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि कई कई बच्चे सोचते हैं यार इलेवंथ के चैप्टर्स मैं बाद में कर लूंगा ट्वेल्थ के चैप्टर्स कर लेता हूं तो उसके चक्कर में होता क्या है इलेवंथ के कुछ चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो ट्वेल्थ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है तो उसमें क्या होता है बच्चा ट्वेल्थ में भी आके बच्चे को वो नहीं आता मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता उसको लगता है यार मैं पूरा टाइम तो ट्वेल्थ में दे ही रहा हूँ पर उसको क्या लगता है यार इलेवन से अगर रिलेटेड है तो यार ये भी छूट गया वो भी छूट गया तो सर सबसे पहली बात तो है आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई बुरी बात नहीं है अगर आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो अगर आपकी 11 थोड़ी सी कमजोर है तो वापस से वेक्टर पढ़ रहे हो कोई गलत नहीं है सर वापस से काइनेमैटिक्स पढ़ो इट्स नो बिग no डील ब्रो आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आपको 12वीं भी अच्छे से फोड़नी हो और 11वीं भी अच्छे से फोड़नी है तो सर ने जैसे कि आपको बताई दी है कि आप सभी को अपने बेसिक स्ट्रॉग करने पड़ेंगे यानी ग्यारहवीं क्लास के वो चैप्टर्स आपको जरूर करने होंगे जिसका बारहवीं क्लास पे डिपेंडेंसी है नहीं तो ट्वेल्थ क्लास भी आपकी वाट लग जाएगी आपको नस समझ नस में नहीं, नहीं नस आएगा नस तो इलेवंथ के कुछ चैप्टर मस्ट डू चैप्टर्स हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सर सर uh, बिल्कुल मतलब ये जैसे चीज बताइए तो ऑब्वियसली uh, बात करनी है बट इससे भी पहले मतलब मैं को तो मेरा यही मानना है कि पहले भाई तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस जो वो आना चाहिए ये सब चीज़ें तुम कर लोगे लेकिन पहले एक दो दिन का टाइम आराम से लो और तुम पहले इस चीज को सोचो कि जो भी पाप तुम लोगों ने किए थे जिसकी वजह से तुम्हारा इलेवंथ वीक हुआ है क्या तुम उनको अब सुधारने के लिए रेडी हो अगर मान लो कि नहीं हो वापस से थोड़े दिन दस दिन मान लो पड़े उसके बाद में वापस से वही सब चीज़ें तब तो बेटा नहीं हो पाएगा ना मतलब सिंपल सी बात है तब तो वही वाली चीज़ आती नहीं हो पाएगा तुमसे लेकिन हाँ अगर मान लो कि जैसे तुम रेडी हो तो उसके बाद में अगले स्टेप्स क्या है उनके बारे में हम आप बात करें तो पहला जैसे यार सर ने बताया कि बेसिक्स अगर मान लो कि तुम नहीं करोगे आ, क्योंकि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि चलो इलेवंथ रह गया कोई बात नहीं अब हम ट्वेल्थ में फोकस करेंगे लेकिन जब आप ट्वेल्थ में बेटा जाओगे और जब आपका स्टार्टिंग से चैप्टर जब स्टार्ट होंगे तो वापस से सेम वही चीज आएगी और टीचर ये बोलता ही बोलता है ये चीज कि यार ये चीज तुमने इलेवंथ क्लास में पढ़ी है क्योंकि सारा कनेक्टेड सा होता है तो आपको सबसे पहले इलेवंथ के वो चैप्टर्स जो है उनके भी बेसिक्स करने हैं तो ऐसा नहीं कि आप चैप्टर्स ये सोच लो कि मैं डायरेक्टली इलेवंथ के जो चैप्टर छूट गए हैं उनको मैं जेई एडवांस लेवल तक का कर लू नहीं आपको स्टार्टिंग जो है वो बेसिक से करनी है इसमें देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि जो भी स्टूडेंट जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं जैसे सीधा वो टॉप लेवल पे जाने की कोशिश मत करें और सारा मटेरियल कंप्लीट करने की कोशिश मत करें क्योंकि हमें क्या है कोचिंग में बहुत सारा मेटेरियल मिलता है हमें डीपीपीज मिलती हैं जैसे एटीपी स्टार में हम सीपीपी भी देते हैं बच्चों को अब इतना सारा मॉड्यूल भी मिलता है सर बच्चों को पी क्यू भी होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा इतना ज्यादा बैकलॉग है अरे भाई ये बताओ अगर हर चैप्टर में आप सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो इतने कम महीनों में होगा कैसे यानी नेचुरली आप सभी को जो भी चैप्टर्स करने हैं पहली चीज़ आपको कुछ चैप्टर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिनपे बारहवीं डिपेंडेंट है आपको अभी वही करने हैं वो करोगे स yes, वो करोगे तो काम हो जाएगा और जहां तक उससे रिलेटेड प्रैक्टिस मेटीरियल है तो उसमें सिंपली आप क्लास पे फोकस करो क्लास नोट पे फोकस करो एलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट है तो नीट के पीवाई क्यू जेई मेन है तो पहले जेई मेन के पीवाई क्यू एडवांस मत करना है ना हम क्या सोचते हैं सर सब कुछ ही कर लू मैं अरे भाई सब कुछ नहीं होगा थोड़ा ही जो ये गलतियां हुई हैं इनको सुधारने में समय लगेगा कवर करने में अगले साल तक लगेगा ये अब जो चैप्टर आपके बच जाएंगे सर एक सेकंड जो चैप्टर आपके बच जाएंगे वो फिर आप साथ साथ कवर कर

बिल्कुल नीट के पीवाई क्यू नीट वालों के लिए तो है ही है लेकिन जेई वाले जो स्टूडेंट जिनके बेसिक बहुत ही खराब है वो नीट के पीवाई क्यू बहुत ही अच्छे रहते हैं उसके अलावा बिटसैट के पीवाई क्यू भी सर वो कर सकते हैं मेमोरी बेस्ड है बट स्टिल वो काफी बेसिक लेवल है जिनसे आप कॉन्फिडेंस काफी बढ़ सकता है उसके अलावा अगर कोचिंग में जैसे कि कोचिंग में अगर आपको बहुत ईजीजी क्वेश्चन भी कहीं पर दिए हुए वो भी काफी सारे आप कर सकते हो एक्सरसाइज टाइप से स्टार्टिंग टाइप से आप कर सकते हो चलिए अब इसके बाद करते हैं कि भाई अब आपको कवर कहां से करना है ये जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं ये कौन से हैं और एक कवर कहां से करोगे

के लिए, जो 12th के लिए क्योंकि अगर आप पूरा ढंग से नहीं करोगे फास्ट फास्ट करने की कोशिश करोगे सारा करने की तो बिगड़ जाएगा यार बेस अच्छा नहीं बनेगा तो जो भी मस्ट डू चैप्टर्स हम आज बताने वाले हैं आपको मटेरियल है, भी साथ में आपको उनके कंप्लीट लेक्चर होने चाहिए नॉट वन शॉट ना यस बिल्कुल अच्छे से नोट बनाइए हाँ भले सवाल में बस पी क्यूज कर ले आप थोड़े बहुत क्लासरूम के प्रॉब्लम कर दैट्स इट वी आर स्टैंडिंग विद कंप्लीट लेक्चर फॉर क्लास इलेवंथ्यू के जो बेसिक चैप्टर्स हैं

है ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं ये आप ये आपको करने ही हैं है, है ना अच्छा तो आई थिंक आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों ले लिया ना स्क्रीनशॉट तो यार ये चैप्टर्स अब नाउ इमेजिन अगर ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको एटीपी स्टार कोटा की एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी से मिल जाए और इससे एसोसिएटेड जो बुल्साई मटेरियल है वो भी आपको मिल जाए और ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए सर तो मजा आ जाए है ना तो यार ये सारा सोल्यूशन आपके लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हम ये सारे चैप्टर्स जो है मस्ट डू चैप्टर्स एक्सेसिबल कराने वाले हैं जिसका नाम यहां पे सर क्या है ब्रिज ब्रिज कोर्स कोर्स गाइस इंट्रोड्यूसिंग फॉर फॉर यू एंड नीट जिसमें आपको मस्ट डू चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स मिलेंगे ए टीपी स्टार कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी से कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे अलॉन्ग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्टडी मेटीरियल है ना तो उसके बेसिस पे पूरा मस्ट टू चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है इस पे कि सर, हमने के पैसे पहले ही दे दिए हमने ऑफलाइन में फ्री रखने वाले थे पर उसका पर्पज ये स्टूडेंट्स ही सर आए है बिल्कुल एटीपी स्टार का हमेशा स्टूडेंट ही आए तो उसके लिए हमने फी मात्र आपके लिए नेगलिजिबल रखी है निन्यानवे रुपए से आप डायरेक्टली

बिल्कुल सर ने बहुत मोटिवेट कर दिया है आप सभी को तो यार देखो पूरी टीम ए स्टार कोटा के लिए सबसे पहले लाइक करिए अपने ड्रीम कॉलेज के लिए टॉप आई एंड मेडिकल कॉलेज के लिए लाइक करिए एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भाई गलती क्या रही क्योंकि उसके बाद वो गलतियां आपको नहीं कर रही है याद रखिए सर ने ही बोला था कि वही गलती अगर आप दोबारा से रिपीट करोगे तो इसका मतलब फिर आप मतलब चाहते नहीं हो कि आपका टॉप आई आई टी या मेडिकल कॉलेज में हो राइट तो अगर सपना है डॉक्टर बनने का आपका सपना है वो जो ब्लेजर होता है व्हाइट वाला वो डॉक्टर